गिरफ्तारी को सता रहा है जान का खतरा। कासगंज जेल में अब्बास को डर लग रहा है। सीजेएम गाजीपुर की कोर्ट में उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है। सीजेएम कोर्ट में चल रहा है अब्बास का केस, जमीन हड़पने के मामले में केस चल रहा है। वहीं आज गाजीपुर जिला जेल में अब्बास अंसारी से परिजनों ने मुलाकात की। अब्बास की पत्नी निखत और भाई उमर अंसारी ने मुलाकात की। गाजीपुर जेल में कस्टडी पैरोल के तहत अब्बास अंसारी निकला हुआ था और गाजीपुर जेल में है इस वक्त। 3 दिनों के पैरोल पर बाहर आया और गाजीपुर जेल में ही उसे रखा गया है। फिलहाल परिजनों ने गाजीपुर जेल में ही अब्बास अंसारी से मुलाकात की। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, जान का खतरा बता रहा है अब्बास अंसारी, और क्या है इस प्रार्थना पत्र में? देखिए, आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया है। गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में अब्बास अंसारी के खिलाफ जमीन हड़पने का एक मामला चल रहा है। एक व्यापारी ने अपनी जमीन हड़पने का आरोप उस पर लगाया है, जो केस विचाराधीन है। इसी के तहत पिछले 6 अप्रैल को अब्बास अंसारी ने सीजेएम कोर्ट में एक लिखित प्रार्थना पत्र अपने वकील के जरिए दिया, और जब बीसी हुई थी पेशी के दौरान भी 6 अप्रैल को उसने मौखिक रूप से भी एक आशंका जताई है कोर्ट के सामने कि उसे कासगंज जेल में जान का खतरा है। मुख्तार की मौत के बाद उसने ये आशंका जताई है। उसने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर इस बात को कहा है कि उसे जान का खतरा है, जेल प्रशासन की मिली भगत से विरोधी उसकी हत्या करा सकते हैं, और उसने ये भी लिखा है कि उसे जहर दिया जा सकता है। जी मनीष, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक प्रार्थना पत्र अब्बास अंसारी की ओर से अदालत में दाखिल किया गया है, जिसमें वो जान का खतरा बता रहा है कासगंज जेल के अंदर। पीलीभीत में जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही वरुण गांधी का नाम लिए बिना ही कहा कि जिसने किसानों के आंदोलन का साथ दिया पीलीभीत से, उसे दरकिनार कर दिया गया। आप में से बहुत लोग जानते होंगे जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। नौजवानों की बात जो उठा रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया। और जो किसानों पे थार चला रहे थे, बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? बगल में ही आपने देखा है कि किसान आंदोलन को लेकर के यही तेजेंद्र बिर्क निकले थे, वहां पर उस आंदोलन को दबाने का काम किया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि थार से किसानों के आंदोलन को रोका जाएगा। कई लोगों की जान चली गई, और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि तेजेंद्र बिर्क हमारे जिंदा हमारे साथ हैं, अभी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगह नहीं मिल रही है। कोई नया आया है प्रत्याशी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम मुंबई बना देते पीलीभीत को। उधर अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर एक बार फिर हमला बोला। राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर उन्होंने प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार बताया। राहुल गांधी ने अमेठी की वफादारी की तोहमत की है। 15 साल लोगों ने उन्हें सांसद बनाया, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी की हमेशा उपेक्षा ही की है, यह आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया। आप सबने देखा होगा, जिससे राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था, फिर कर्नाटक के एक
नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से कहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुए, 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।